गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी डिस्कस अबाउट नर्सिंग डायग्नोसिस. सेकंड, लेट मी स्टार्ट. नर्सिंग डायग्नोसिस अपन ने असेसमेंट देखा. सेकंड के अपन डायग्नोसिस, इसके अंदर अपन एनालिसिस ऑफ डाटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम, रिस्क एंड स्ट्रेंथ, फॉर्मुलेट डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट. थर्ड वन इज द प्लानिंग, फोर्थ वन इज इम्प्लीमेंट, एंड लास्ट इज फाइनली इवाल्युएशन. सेकंड वन इज द डायग्नोसिस स्टार्ट. इंट्रोडक्शन. डायग्नोसिस इज द सेकेंड फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस. जो नर्सिंग प्रोसेस का सेकेंड स्टेप है वो डायग्नोसिस है. इन दिस फेज नर्स यूज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल टू इंटरप्रेट असेसमेंट डाटा टू आइडेंटिफाई क्लाइंट प्रॉब्लम. इन द फेज नर्सेज यू क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब नर्स में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इंटरप्रिटेशन करके जो डाटा को एनालिसिस करती है क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए. नॉर्थ अमेरिका नर्सिंग डायग्नोसिस नंदा डिफाइन अ रिफाइंड नर्सिंग डायग्नोसिस. डेफिनेशन. डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, अ क्लिनिकल जजमेंट कंसर्निंग अ ह्यूमन रेस्पॉन्स टू हेल्थ कंडीशन या लाइफ प्रोसेस, अ वल्नरेबिलिटी फॉर द रेस्पॉन्स डेट बाय अ इंडिविजुअल, फैमिली, ग्रुप और कम्युनिटी. सो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो ह्यूमन की हेल्थ कंडीशन, उसको फॉर द रेस्पॉन्स बाय द इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी. स्टेटस ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल द डायग्नोसिस आर एक्चुअली हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ प्रमोशन एंड रिस्क. इन एन एक्चुअल डायग्नोसिस इज अ क्लाइंट प्रॉब्लम डेट इज प्रजेंट एट द टाइम ऑफ द नर्सिंग असेसमेंट. जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो क्लाइंट की प्रॉब्लम जब असेसमेंट के टाइम में प्रजेंट इन द टाइम ऑफ द नर्सिंग असेसमेंट क्लाइंट बताता है पेशेंट को, या नर्स असेस करती है नर्सिंग असेसमेंट के टाइम में क्लाइंट की. अ हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस रिलेटेड टू क्लाइंट प्रिपेयर्डनेस टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन. अ हेल्थ प्रमोशन जो नर्सिंग डायग्नोसिस को नर्स असेस करके और उसकी हेल्थ को कैसे कंडीशन को इम्प्रूव करती है. कंटिन्यू के अंदर अपन देखते हैं द रिस्क नर्सिंग. अ रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस इज अ क्लिनिकल जजमेंट डेट अ प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट बट द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इंडिकेट्स डेट अ प्रॉब्लम मे डेवलप इन एडिक्वेट केयर इन अ नॉट गिवन. अ रिस्क है जो नर्सिंग डायग्नोसिस क्लिनिकल जजमेंट प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट बट प्रेजेंस ऑफ द रिस्क फैक्टर इंडिकेट प्रॉब्लम डेवलप करते हैं ना कि इसको. कंपोनेंट ऑफ द नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस. अ नर्सिंग डायग्नोसिस हैज अ थ्री कंपोनेंट. नर्सिंग डायग्नोसिस जो इसके थ्री कंपोनेंट है द प्रॉब्लम एंड इट्स डेफिनेशन. सेकेंड वन इज द इटियोलॉजी. थर्ड वन इज द डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक. द फर्स्ट वन इज अपन देखते हैं द प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्क्राइब द क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम. स्टेटमेंट देखते हैं जो क्लाइंट को क्या हेल्थ प्रॉब्लम है. सेकेंड वन देखते हैं अपने इसमें इटियोलॉजी. द इटियोलॉजी कंपोनेंट ऑफ अ नर्सिंग डायग्नोसिस. द इटियोलॉजी कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस आइडेंटिफाई कॉज द हेल्थ प्रॉब्लम. नर्सिंग डायग्नोसिस पेशेंट को क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है, किस कारण की वजह से हो रहा है, ये अपने कंपोनेंट चेक करते हैं. थर्ड वन आता है डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक. डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक अंदर आर द क्लस्टर ऑफ साइन एंड सिम्टम डेट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम. पेशेंट को साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पेशेंट को क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है. फिर अपने देखते हैं फॉर्मुलेट डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट. द बेसिस ऑफ द थ्री पार्ट नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड प्रॉब्लम, एटियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम अ स्टेटमेंट ऑफ द क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम. पेशेंट को क्या हेल्थ प्रॉब्लम है वो पेशेंट को चेक करते हैं. इटियोलॉजी किस कारण की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, कॉजेस ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम, कारण ढूंढते हैं हेल्थ प्रॉब्लम का. थर्ड वन इज द साइन एंड सिम्टम. डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेड बाय द क्लाइंट. डिफाइन करते हैं करेक्टर उस पेशेंट को साइन एंड सिम्टम. फिर अपन देखते हैं एक्यूट पेन हो रहा है पेशेंट को रिलेटेड टू एब्डोमिन सर्जरी एज एविडेंस बाय पेशेंट डिसकम्फर्ट एंड पेन स्केल. पेन स्केल से प्रॉब्लम क्या है पेशेंट को, इटियोलॉजी किस कारण की वजह से हो रही है और क्या पेशेंट में साइन, जैसे प्रॉब्लम पेशेंट को पेन हो रहा है, इटियोलॉजी सर्जरी फॉर एब्डोमन
कारण है एब्डोमन की सर्जरी हुई है। इसमें पेशेंट को क्या साइन एंड सिम्टम आएंगे, पेन स्केल एंड डिसकम्फर्ट ऑफ द पेशेंट। फिर अपन नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस और मेडिकल डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में अपन देखते हैं इनइफेक्टिव एयर पैटर्न, ब्रीथिंग पैटर्न। इसे मेडिकल डायग्नोसिस में इसको अस्थमा कहेंगे। इन एक्टिविटी एंड टॉलरेंस, इसमें सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। मेडिकल डायग्नोसिस में एक्यूट पेन हो रहा है पेशेंट को, इसमें अपेंडिक्साइटिस हो सकता है। डिस्टर्बेंस, डिस्टर्ब बॉडी इमेज है तो इसमें एम्पुटेशन हो सकता है। डिफरेंटिंग नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर मेडिकल डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ द नर्सिंग जजमेंट दैट मेड बाय नर्स, दे एजुकेशन एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज आर लाइसेंस टू ट्रीट। ठीक है, मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर मेडिकल डायग्नोसिस मेड बाय द फिजिशियन, नर्सिंग डायग्नोसिस मेड बाय द नर्स और मेडिकल डायग्नोसिस मेड बाय द डॉक्टर। नर्सिंग डायग्नोसिस डिस्क्राइब द ह्यूमन रेस्पॉन्स टू एन इलनेस और अ हेल्थ प्रॉब्लम। तो नर्सिंग डायग्नोसिस डिस्क्राइब ह्यूमन की रेस्पॉन्स टू इलनेस एंड द हेल्थ प्रॉब्लम। मेडिकल डायग्नोसिस रेफर टू अ डिजीज प्रोसेस। नर्सिंग डायग्नोसिस में चार्ज एज क्लाइंट रेस्पॉन्स चेंजेस, अ क्लाइंट मेडिकल डायग्नोसिस रिमेन द सेम एज अ लॉन्ग एज डिजीज इज प्रजेंट। टू बी नेक्स्ट क्लास में अपने देखेंगे कि प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। थैंक यू।